सुबह काफी चमकदार थी। इसकी आंख खुली तो इससे काफी फासले पर थी, जबकि बीच में गांव तकिया हायलता इसके लेटे लेटे ही माथे पर बल डले और घड़ी की जान में देखा ये सुबह शायद दोपहर के 12 बजा रही थी, मगर ये इसके नजदीक काफी सुबह थी जबकि वो सोई हुई थी। इसके कंबल से लैदा कंबल में थी, जबकि एसी की फुल ठंडक में वो काफी पुरसकून दिखाई दे रही थी। मगर भला जिसके साथ बहराम खान हो वो सुकून में कैसे रह सकता है। इसने वो गांव तकिया बीच से हटाकर लात मार कर जमीन पर गिराया और इसका ब्लैंकेट भी इसके ऊपर से खींच दिया। वो काफी गहरी नींद में थी, हल्की सी भी जुम्बिश न की। बहराम ने दाद दी, यानी इससे ज्यादा ढीठ नींद भी किसी की थी। इसने बालों में हाथ फेरा और इसकी पुश्त की हुई कमर में हाथ डालकर इसे अपनी जानम खींच कर वो इसे अपने सीने से लगा गया। अरमिश की पुश्त बहराम के सीने से लगी थी, जबकि इसके बाल लंबे बालों की चुटिया दोनों के बीच थी। इसने वो चुटिया हाथ में ली और कोई नागन ही लगी। उफ, इसने फौरन फेंक दी और फिर इसका चेहरा देखा जो बेदाग चमकता हुआ था, जबकि इसने एक और चीज भी इसके चेहरे पर देखी थी जिसे काफी अनोखी लगी। आज वो इसे तफसील से देख रहा था। ये वो चंद लम्हों के लिए भला बैठा था कि भीड़ भी थी। इसके नाक में मामूली सा सोने का नग था, मगर वो चमक नहीं रहा था। आज तक जितनी लड़कियों से मिला किसी के चेहरे पर इसने ऐसा नग नहीं देखा था। इसे वो काफी अच्छा लगा। कभी लाशोरी तौर पर इसकी उंगली इस नग तक पहुंची और इसकी नाक पर सितर खींची। अरमिश ने मामूली सा एहतजाज किया और फिर दूर खिसक गई। बहराम ने आंखें घुमाई, दोबारा इसके नजदीक होकर अब इसके गालों पर सितर खींच रहा था। काफी अरसे बाद इसके गालों के गड़े दिखाई दिए थे। अरमिश झुंझलाई, बहराम को लगा वो उठ जाएगी, मगर इसकी जानक करवट ले चुकी थी जबकि चेहरे पर बाजू रख लिया। इसकी जानब करवट बदलने से इसकी गर्दन इसका शिकार बनी और जब वो अपनी लिमट से बाहर निकला तो अरमिश छटका खा कर उठी। वो अचानक इसको अपने इतना पास पाकर अपने दिल को ना संभाल सकी जो बेताबी से धड़क रहा था। आप क्या कर रहे थे, वह हैरानगी और कुछ गुस्से से बोली। बहराम ने इसकी मामूली से गुस्से पर ताली बजाई। वाह, मतलब खुद मेरे करीब आई हो और पूछ रही हो मैं क्या कर रहा था। वो भी उठकर बैठा और बैग क्रॉन से टेक लगा दी। कि क्या मतलब मैं करीब आई यहाँ पर, तो इसने इर्द गिर्द देखा जहाँ तकिया मौजूद होना चाहिए था, मगर वह जमीन पर पड़ा था। वहीं इसका दुपट्टा ब्लैकेंड भी था। वो हड़बड़ाकर दुपट्टे की तरफ बढ़ती कि बहराम ने इसकी कलाई थाम ली। महरम हूँ तुम्हारा, अरमिश को इसके वास में काफी सख्ती महसूस हुई। तभी वो यूं ही धड़कते दिल और शर्मा से पानी पानी होती बैठी रही। हाँ तो तुम मेरे करीब सोई रात, वो भी इसी तरह, यार बोल्ड हो काफी। इसने जान बूझ कर इससे पंगा लिया और वो भी ऐसे कि इसकी कमर पर धप से थप्पड़ मारा। अरमिश का मुंह खुल गया, वो तो ऐसे बात कर रहा था जैसे वह दोनों बचपन के बिछड़े हुए जिगरी यार हो। झूठ, अरमिश ने नफी की। मैंने तो यहाँ तकिया रखा था, और हांसी हुई। तकिया हटा कैसे था? ओ अच्छा, और दुपट्टा और कंबल भी है ना, वो बेयकीनी से कहने लगा। अरमिश को तो रोना ही आ गया, इसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया था। बहराम को हंसी आई इसकी रोनी सूरत देखकर। छोटी दुनिया, अकल क्या हवेली के किसी तहखाने में रख कर आई हो? इंसान की शक्ल ही बता दे कि वो क्या बोल रहा है। उफ, इसने उससे शाने उचकाए और बिस्तर से उठा। अरमिश को शर्म सी आई, तभी वो नामहसूस अंदाज में दुपट्टा उठा चुकी थी। बहराम ने देख तो लिया था मगर वो कुछ नहीं बोला। सुनो ना, तुम जल्दी से 10 मिनट में तैयार हो, मैं तुम्हारे बाल कितने लंबे और मोटे हैं। मुझे तो डर लग गया आज, वो काफी नॉर्मली अपने वार्डरोब से कपड़े खींचता कहने लगा। अरमिश को शर्मिंदगी हुई, वो दूसरा अपना ड्रेस खुद निकाल रहा था। ड्रेस निकालने इसके पास आई। मैं निकाल देती, उसने कहा, क्योंकि हैदर कभी अपनी वार्डरोब पर खुद नहीं भरता था। क्यों, मेरे हाथ पांव किराए पर गए हैं? बहराम ने उल्टा ही जवाब दिया। इसे मजीद शर्मिंदगी हुई। तुम मुझ पर ध्यान देने के बजाय खुद पर दो और 10 मिनट में रेडी हो, फिर चलना है कहीं, इसने कहा और मामूल की तरह इसका गाल दो चुटकियों में भरकर वॉशरूम में चला गया। जबकि पीछे वो ये बात भुलाए कि इसकी नजर इसके बालों पर आ चुकी है। वो एक बार फिर से बहराम और हैदर के बीच मुकाबला करने लगी थी। हैदर हमेशा ये बात इसे कहता था कि वो इसका मसला है और वो इस पर ध्यान दे। इस बीच इसकी जात कहाँ थी इसे परवाह नहीं थी, मगर आज वो शख्स खुद पर से इसकी तवज्जो हटवा कर इस पर करने को बोल गया था। वो काफी अलग था, जरा सा मूडी सा, या शायद जैसे दिखता था वैसा नहीं था। वो बैक वक्त एहसास भी था, संजीदा भी था और कुछ कुछ फनी भी। क्या एक मर्द को ये सब बातें मुकम्मल करती हैं? ये औरत के लिए मर्द तभी मुकम्मल होता है जब वो इसका ख्याल रखे, इसका एहसास करे। शायद इन दोनों बातों में एक औरत की दुनिया बसी है।
इसे अगर जरा सा भी अंदाजा होता कि वह शख्स इसके साथ इतना बुरा सलूक करेगा तो वह जरूर मर जाना पसंद करती, ना कि इस पर बिला वजह अतबार करके मुंह उठाकर इसके साथ कहीं भी चल पड़ती। शीशे में मोटी मोटी सुर्ख आंखों ने एक बार फिर अपनी लेयर में कटे बालों को देखा और फिर धुआंधार रो दी, जबकि बोटीशन बामुश्किल हंसी रोक पा रही थी। वह बहराम वो तनकीदी नजरों से इसके कमर पर बिखरे बालों को देखने लगा। मैम प्लीज रोए मत। बिलाकर जब इसके शोर को जरा भी परवाह न हुई तो बोटीशन खुद ही बोली, मेरे बाल। वो बच्चों की तरह होंड निकालती कि बोटीशन को काफी क्यूट लगी। वो बेचारी खुद गमजदा हुई और इसकी आधी कट्टी चुटिया जो बहराम ने खुद काटी थी क्योंकि वो बोटीशन से कटवा नहीं रही थी, जमीन से उठाकर बड़े अफसोस से इसके हाथ पर रख दी, जबकि अरमिश ने तो इसे सीने से लगाए बुरी तरह रोने लगी। कितने बड़े थे इसके बाल, कितनी मोहब्बत थी इसे ने। इसे रोने के साथ अब बहराम पर गुस्सा भी आने लगा था। तभी छोटी सी नाक साफ करते वो मिरर से तफसील से इसे घूरने लगी, इनको मजीद कट करो, अभी कुछ मजा नहीं दे रहे, वो बोला और आंखें इसके बालों की लटों पर थी। बोटीशन ने यस सर कह के मजीद स्टेप डालने के लिए कैंची उठाई तो अरमिश ने गुस्से से इसका हाथ थाम लिया। अगर आपने अब मेरे बालों को छुआ भी तो मैं गंज कर दूंगी, वो गुस्से से तमतमा रही थी। अगर इस चीज इंसान पर इसका बस नहीं चल रहा था तो वो किसी और पर तो चला सकती थी। बोटीशन ने बहराम की तरफ देखा जबकि वो आगे को आया, चेहरे पर संजीदगी थी। तकरीबन हाल में सभी खवातीन दोनों को देख रही थी। वो सबके सामने इसके कान में बड़ी बेबाकी से झुका, डार्लिंग सीरियसली अगर अब तुमने अपने नाजुक होंठों को जरा सी भी झुंबश दी तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं, यही सबका लिहाज किए बगैर अपने शोहर की पावर तो तुम वाकिफ ही हो। जब वो लेडीज पार्लर में आ सकता है तो तुम्हारे लबों पर सबके सामने सितम ढा भी सकता है, तो माई लेडी बी क्विट। वो दूर हुआ, अरमिश तो सुन रह गई। वो बोलता है मुसलसल इसकी कान की लो को छेड़ रहा था। अरमिश का इतने में दम निकल गया और फिर इसकी धमकी, वो तो सर ही झुका गई, वो तो सर झुका गई। बोटीशन भी इस कमाल पर हंसी दबाती अपने काम पर लग गई। सर कलर कौन सा चूज करेंगे, इसने कार्ड बहराम के आगे किया तो इसने रेडिश ब्राउन कलर चूज किया। अरमिश ने चोर नजरों से बहराम की तरफ देखा, डार्क मैरून कलर की शर्ट्स और जीन्स में वो बहुत डैशिंग लग रहा था। इसकी बीवी क्या, सभी इसे चोर नजरों से देख रहे थे, इसने कहकर फिर से आईने की जानब देखा और तभी अरमिश की चोरी पकड़ी गई। वो सर पटा कर निगाह फेरते हुए इसकी जानब आया, अपने कान से एक एयरपोर्ट निकाल कर इसके कान में लगाया और दोबारा पीछे सोफे पर बैठ गया। अरमिश बार बार इस पर हाथ मारकर देखती कि वो क्या लगा कर गया, फिर अचानक आने वाली म्यूजिक की आवाज पर बुरी तरह उछली, मैम प्लीज सिट डाउन, बोटीशन आपके जरा गुस्से से बोली। बहराम ने भी हाथ के इशारे से इसे बैठने को कहा और सेल से आवाज हल्की की तो शायद अब वो कुछ समझ गई थी। इसे जी भर के इस बेवकूफ लड़की पर हंसी आई। तकरीबन 4-5 घंटों बाद वहां से निकलने वाले बहराम के साथ लड़की अरमिश बिल्कुल भी नहीं थी। रेडिश ब्राउन लेयर शोल्डर से कुछ नीचे सिल्की बाल और चेहरे पर कैजुअल सा मेकअप, वो तो जैसे सिरे से ही बदल चुकी थी, मगर हद से ज्यादा कंफ्यूज थी क्योंकि इसने चादर नहीं ली थी। तभी वो बहराम के पीछे छुप रही थी। बहराम ने पार्किंग में गाड़ी को चेक किया और इसे बैठने का इशारा किया, खुद धूप पड़ने की बिना पर इसके चेहरे के तसव्वुरात सिरे से ही बदल गए थे। अरमिश इसे देखते ही बैठ गई, कितने ही लोग ताशी नजरों से इस शानदार कपल को देख रहे थे। वो गाड़ी को पार्किंग से निकाल कर अब रिलैक्स सा ड्राइव करता है इसे भी देखने लगा। डोंट बी कंफ्यूज, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम, वैसे मुझे पता नहीं था वो कैसे बनता है, बट अक्सर मैंने लड़कियों को बाल ऊपर करके रफली जुड़े में देखा है तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करती थी। वह जुबान दबाता बात बदल गया, अब क्या बताता, इस जोड़े के अलावा लड़कियों की लंबी गर्दन इसे कितनी अच्छी लगती थी। अरमिश ने निगाह उठाकर इसे देखा, आप इतनी तवज्जो से देखते थे सबको, बहराम हंस दिया। वो बस जरा जी आगी समझ इसने कहकर गाड़ी से बाहर देखना शुरू कर दिया। बहराम धीरे से मुस्कुरा दिया था, वो बदल रही थी काफ़ी हद तक, वो इसे हैदर के फेस से बाहर निकाल लाया था। वो चाहता था वो हवेली जाए तो हैदर की ठुकराई हुई अरमिश ना खिलाए बल्कि वह सर से पाँव तक सिर्फ मिसिस बहराम खान हो। ये नेज भी बढ़ाओ अपने, लड़कियों के इतने स्टाइलिश नेल्स होते हैं, तुम्हारी खाल से चिपके हुए हैं। इसने एक और शोशा छोड़ा तो अरमिश ने सर्द सांस खींचकर इसकी तरफ देखा, मैं नहीं बढ़ाऊंगी, ये मकरूह है, इसने कहा। मतलब हर बात में खानम आपको बाजी बनने का शौक हो जाता है, वो झुंझला गया, आप कितनी गलत बातें कर रहे हैं। अरमिश तो एहतजाज करने लगी। बहराम ने आईब्रो उचकाकर इसकी जानब देखा, चुंटी के पर निकल आए, इसने दिल में सोचा,
मगर कहा कुछ नहीं। देखो लड़की, जो कहा है वो करो। बहराम ने जरा रौब से कहा, मैं नहीं, इसने हॉर्न निकाले। यह हरकत लाशोरी तौर पर इससे सरजद होती थी। इसका निचला हॉर्न निकलते ही बहराम ने फौरन खींच दिया, अब निकालो तुम इसे। इसने जरा घूर कर देखा, जबकि अरमिश फिर से सुर्ख होने लगी। बहराम ने नफी में सर हिलाया और स्पीड बढ़ा दी। शायद आज से पहले इसने इतना बड़ा मॉल नहीं देखा था। खुद भी किरण के साथ गई थी, मगर वो ऐसा नहीं था। इसे लगा वो यहाँ गुम हो जाएगी। तभी अचानक ही बहराम हाथ सख्ती से पकड़ कर वो चिपक कर इसके साथ चल रही थी। सही गोद में उठा कर चल लेता हूँ, सारा बदन मुझ पर डाला हुआ है, बोला तो अरमिश खफजदा सी दूर हुई और बहराम ने इसका हाथ थाम कर एक शॉप में चला गया। वहाँ सारे कपड़े जीन्स शर्ट से नीचे नहीं थे। इसे लगा शायद वह अपने लिए ले रहा है। तभी सब देखने लगी, मगर जैसे ही वो इसके साथ लगाता अरमिश तो फकी रह गई। मैं नहीं ये पहनूंगी, इसने बेचैनी से कहा, कभी वो पेमेंट ही ना दे दे। देखो खानम, मिले जले कपड़े पहनने चाहिए। जब मैं तुम्हारे ये बेसिरे बुसीदा कपड़े बर्दाश्त करता हूँ तो तुम्हें भी मेरे स्टाइल को अपनाना होगा, इसने कहा तो वो खामोश रह गई। क्या कहती, वो सुन रहा था। अपनी मर्जी से बहुत कुछ कर ले। अब वो बुटीक की तरफ आया, इसे खुला छोड़ दिया। जो जो लेना है ले लो, इसने सुकून से कहा। मैं वो हिचकिचाई, अपने कपड़े कभी खुद लिए ही नहीं थे और बहराम ने इसे कभी कुछ लाकर नहीं दिया था। बहराम, इसने दांत पीस कर इसकी तरफ देखा, वो आंखें झपकने लगी और फिर वो जो सोफे पर बैठा रहा उठ गया, इसके लिए ड्रेस पसंद करने लगा। यहाँ भी अपनी मनमानी करके वो लेडीज शॉप में मज़े से दाखिल हुआ था, जबकि पीछे देखा तो वो गायब थी। वो बाहर आया तो वो साइड पर बैठे मोड़े पर लाहौल पड़ रही थी। बहराम को हंसी जो आई, मगर आंखें दिखाता इसे अंदर खींच कर ले गया और वहाँ भी सब अपनी मर्जी करके इसने इसे बैग्स, हील, शूज दिला दिया और फिर ज्वेलरी शॉप से भी काफ़ी कुछ दिला कर इसने इसे खूबसूरत सी घड़ी दिलवाई, जबकि अरमिश को तो चूड़ियों को देख रही थी। ये नहीं लेनी, वो, इसने आहिस्ता से कहा। इतने कहने में भी वो काफ़ी शर्म आई। बहराम ने चूड़ियों को देखा और इसको घूरा। घड़ी स्टाइलिश होती है ना कि चूड़ियाँ, इसने कहा तो अरमिश ने अफसोस से देखा। मगर मुझे चूड़ियाँ पसंद हैं, इसने कहा। फालतू पेंडू लगती है, बहराम ने झिरा की। मगर मुझे पसंद है, और हांसी हो गई तो इसने कोई बात नहीं मान रहा था। और इससे पहले वो रो देती, बहराम ने ना चाहते हुए भी इसकी दिल की बात कह दी। अच्छा ला दूंगा चूड़ियाँ, रोना मत, बैठ जाना, वो बेजर सा कहता आगे बढ़ा। अरमिश पहली चीज़ पर खुश हुई थी। वहाँ से सामान लेकर वह भी बाहर निकलते कि अरमिश ने इसके बाजू को ज़रा सा झटका। पहले वह सामान उठाकर गुस्से में लग रहा था। वो लेना है, इसने भालूनुमा हर्ण की तरफ इशारा किया। तुम काकी हो, बहराम को गुस्सा आया, भला कभी इतने शॉपर उठाए थे इसने, जबकि दूसरी तरफ तो फरमाइशी प्रोग्राम खुलने वाला था। नहीं मगर वो अच्छी है, इसने फिर कहा, जबकि एक कदम भी ना हिली। बहराम का मुंह देखने लायक था। चलो चलो, बचपन जवानी बुढ़ापे की सारी हसरतें आज निकाल देना, इसने कहा। तो इसकी बात पर पास खड़ी लड़कियां भी हंस दी, जबकि वो शिद्दत से घूरता अंदर गया और इसके लिए हरण खरीद कर इसको दी। अरमिश जिंदगी में पहली बार इतनी खुश हुई थी। काम से फारग होकर वो घर आई तो मामा की तबीयत इसे कुछ ख़राब लगी। खुद को संवारने में वो शायद सबको भुला चुकी थी। मामा, वो भाग कर इन तक पहुंची। उन्होंने इसको देखा तभी रिया आ गई। मामा अंदर चलें, रिया इसका हाथ हटाकर मामा को अंदर ले गई। अबीर को रिया पर काफ़ी गुस्सा आया। तुम समझ क्या रही हो खुद को, इतने दिन गुजर गए, बदतमीजी किए जा रही हो, अबीर गुस्से से चलाई। ड्राइंग रूम में पलंग पर एक तरफ अकबर साहब, जबकि सोफे पर मामा लेटी थी। कल मेरी बारात है, आप जानती हैं, रिहा ने इसकी आंखों में देखा। आप अपनी जिंदगी जी रही हैं, सिर्फ अपनी, बाकी किसी की जिंदगी में क्या हुआ आपको पता है क्या? मामा को शुगर हो गई है, मालूम है आपको? आपकी पार्टी वाली नाइट पर बाबा को सीवियर हार्ट अटैक हुआ था, आप जानती हैं? मैं आपसे क्या कहूँ, अब आप बहराम खान के बारे में कुछ जानती हैं? आप तो अपनों से इस कदर दूर हो गई हैं कि हमें ढूंढना पड़ रहा है। रिहा ने नम आंखों से इसकी तरफ देखा, जिसका चेहरा शर्मिंदगी से सुर्ख हुआ था। मामा, वो अपनी माँ के पास आई तो बाप को देखा, जो यूं ही इसको देख रहे थे। इसका दिल टूट फूट गया। हाँ, वो सब इसके साथ गलत किया था, इसे सब पर गुस्सा था, अपने घर वालों पर भी। न बाप की मानी, ना माँ की सुनी, क्या किया था इसके साथ, इसको वो वक्त याद नहीं आता था क्या? इसका दिल नहीं था, सब वो बातें भुलाए नॉर्मल होना चाहते थे, जबकि वो शायद ऐसी लड़की थी जो अपनी बेइज्जती को अब तक बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, मगर बदला लेने में वो सबको भूल गई थी। माँ बाप तो अपने ही थे इसके। इसकी आंखें भीग गई, दिल गिरफ्तार सी वहाँ से उठकर अपने रूम में आ गई। आज अरहम सर के बदले रवैये पर हैरान थी, जबकि घर आके इसको मजीद रोना आया।
जबकि बहराम खान पर इसका खून मजीद खोल रहा था। बड़ी मुश्किल से इस फ्लैट का पता लिया था इसने और फ्लैट का दरवाज़ा बजाया तो कुछ ही देर बाद इसकी बिला की खूबसूरती इसे अपना आप इस लड़की के सामने काफ़ी धुंधला सा लगा। खुले से पजामे शर्ट में बालों का जूड़ा बनाए वो लड़की होंक खड़ी थी, जबकि अबीर इस लड़की को पहचाने बगैर कुछ और समझती के अंदर दाखिल हुई। मतलब सब बदल सकता था मगर बहराम खान की फितरत जो एक जहरीली फितरत है वो बदल नहीं सकती। वो बावाज चलाई, अबीर, अरमिश का दम खुश्क सा हो गया, जी किया जमीन में गड़ जाए। मेरे बारे में जानती हो? हाँ, काफ़ी पक्का आशिक निकला भी। ये तो एक तवायफ को भी अपनी महबूबा के बारे में बता देता है। इसने ताली बजाई जबकि सामने बहराम खान को इसको देखकर शौक था। अरमिश को बोले गए लफ्ज़ भी ना सुन सका जबकि अरमिश ने सुर्ख आंखों से इसकी जानब देखा। तुम्हें मैं तवायफ देख रही हूँ? अरमिश को सब बर्दाश्त था मगर ये गाली नहीं। तभी अबीर का हाथ झटकती गुस्से से बोली। अबीर ने तवज्जो से इसकी जानब देखा तो इसे इसमें अरमिश की झलक नजर आई और यहाँ अबीर पर जैसे पहाड़ टूटा था। तुम इसके साथ ऐसे, तुम? वो कुछ और समझ रही थी जबकि शॉक इस कदर थी इसका मुंह खुला रह गया। अरमिश ने सर झुका लिया, इसे शर्मिंदगी हुई थी बहुत। वाह हवेली वालों का पर, वाह वाह। अबीर तो हैरान रह गई, मतलब तलाक के बाद किसी भी मर्द के पास मुंह उठाकर होगी इतनी नीच हो? इससे पहले वो बात पूरी करती अरमिश का हाथ इस पर से उठ चुका था जबकि इसकी आंख से आंसू मुतवातर गिर रहे थे। बीवी है मेरी, बहराम की संजीदा आवाज़ पर अबीर ने इसकी जानब देखा। इसे लगा सुनने में गलती हुई है। वो अरमिश का थप्पड़ भुलाए बहराम की सूरत देख रही थी। हाँ, इसे वो इंसान पसंद नहीं था, वो इसके साथ रहना नहीं चाहती थी। अब वो इसे तलाक का मुतालबा करने आई थी, ये वो जानती थी। आजकल शहर में ठहरा हुआ है मगर वो नहीं जानती थी। ये बात सुनकर वो हैरान होक हुई थी, सोफे पर गिरी थी। इसकी आंखें एक जगह पर ठहर चुकी थी जबकि दूसरी तरफ अरमिश अपने लिए ऐसे अल्फाज सुनकर शदीद दिल बर्दाश्ता से जमीन पर बैठती चली गई थी। हॉल में इसकी सिसकियों की आवाज़ थी। बहराम इन दोनों को देख रहा था, कहने को एक जानब इसकी आहें भरती दम तोड़ती मोहब्बत और दूसरी जानब इन तकलीफदार लम्हों में मुयसर सुकून था। तीनों नफूस खामोशी से नामालूम नुक्ते को घूर रहे थे। तलाक दो मुझे अभी। अचानक इस खामोशी में अबीर की आवाज़ उभरी। बहराम और अरमिश ने झटका कर इसकी तरफ देखा। मेरी बात सुनो, बहराम को लगा इसकी आवाज़ ऐसे गहरे कुएं से सुनाई दे रही थी जबकि अरमिश को दादी की बात मानकर आज शदीद अफसोस हुआ। क्या सुनूं? दो बीवियां रखोगे? वो तो तिल मलाई, क्यों तकलीफ हो रही है तुम्हें? तुम कब रहना चाहती थी मेरे साथ? बहराम भी आंखें निकालता इसका बाजू थाम कर झंझोड़ गया जबकि अबीर शदीद भिपरी इसको पीछे धक्का दिया। तलाक दो वरना खुला ले लूंगी तुमसे। अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया तुमने, मुझे भी आज़ाद करो, वो गुस्से से इसको कहती बाहर निकलती कि अरमिश ने इसका हाथ पकड़ लिया। क्यों कर रही है इस तरह? वो प्यार करते हैं तुमसे, इसने मध्यम आवाज़ में कहा जबकि अबीर ने इसे भी धक्का देकर वहां से निकल गई। इस वक्त इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था जबकि बहराम ने अरमिश की जानब देखा। इसे लगा वो लास्ट में इसको मार देगा क्योंकि इसने अबीर पर हाथ उठाया था। वो मुसलसल अरमिश को घूरता रहा। मैं इसे सफाई देना चाहिए, खानम सिंह को थप्पड़ मारा, इसने इसको आंखें दिखाई जबकि अरमिश के होंठ निकल आए थे। आपने कहा था मार देना, फिर मैं देख लूंगा, वो डरी सहमी सी बोली। तब तक वो इसे नज़दीक आ गया। बहराम मद्दम सा मुस्कुरा दिया, इस पर हमले का तो नहीं कहा था लड़की, बहरहाल साईं तुमने अपना डिफेंस किया, मुझे अच्छा लगा, गुड गर्ल। वो इसी तरह इसके गाल को छूता रूम की जानब चला गया जबकि अरमिश इसकी पुश्त को देख रही थी। वो क्या महसूस कर रहा था, इसके अंदर क्या चल रहा था, वो सब छुपा गया था। इसे अंदाज़ा हो गया था वो अपनी मोहब्बत से दस्त बरदार नहीं हो सकता, दिल में कुछ हुआ था। तो जी दोस्तों, यहाँ तक का एपिसोड आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।